हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। दिस इज मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे जिंक पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और देखेंगे आज जिंक कहाँ पे एंटी कर सकता है उसका भी ऊपर हम बात करेंगे। तो ये देख सकता है जिंक पिवट पॉइंट 190.20, फर्स्ट रेजिस्टेंस 192.30, सेकेंड रेजिस्टेंस 194 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 196.1 एंड द फर्स्ट सपोर्ट 188.50, सेकेंड सपोर्ट 186.40, थर्ड सपोर्ट 184.70। तो आज यहाँ पे मैं सीधा स्मॉल आज का ऊपर ही बात कर देता हूँ, मतलब आज क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कॉन्टिन्यूसली एक रेंज में, मैंने 30 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम लिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक रेंज पे चल रहा है। तो इसलिए मैंने 30 मिनट का देखा, थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, जो जिंक का चार्ट है एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है और एक रेंज में चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं एक रेंज में मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक रेंज का ड्रॉ कर दिया एक लाइन से, तो यहाँ से देख सकते हैं रेंज एक रेंज जिंक एक रेंज में चल रहा है, राइट। तो मुझे लग रहा है ये जिंक कैसे चल रहा है, उसका मार्केट बिहेवियर क्या हो रहा है, तो इसका ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। आपको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक ये 150 मूविंग एवरेज से बाउंस हो रहा है, देख सकते हैं ये फर्स्ट बाउंस हुआ, सेकंड बाउंस हुआ, तो थर्ड टाइम मुझे लगता है फिर से यहाँ पे आके फिर से बाउंस होने का चांसेस है। तो अगर आपको मिले 188 का आसपास, तो यहाँ से आप बाय में जा सकते हैं और ऐसा 200 मूविंग एवरेज का नीचे में, ये 200 मूविंग एवरेज उसका नीचे में एसएल लगा के आप टारगेट अराउंड फर्स्ट टारगेट 191 पॉइंट ले सकता है, नहीं तो सेकंड टारगेट 196 या 93 का आसपास आप सेकंड टारगेट प्लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप अगर आपने बाय किया तो यहाँ का आपका रेशियो 1:3 रहेगा, 1:3। तो आप अगर यहाँ पे बाय किया तो आपका ये बाय रिस्क, ये होगा बाय रिस्क और ये होगा आपका टारगेट, राइट, ये हो गया आपका टारगेट। तो यहाँ से आप 1:3 प्रॉफिट बुक कर सकता है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।